हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो परसों तो संक्रांत है, मतलब 14 तारीख को। बहुत लोग 14 को भी मनाते हैं और बहुत लोग 15 को भी मनाते हैं। सुने हैं कि 100 साल तक 14 तारीख को मना है, अब फिर इधर 100 साल तक 15 तारीख को मनेगा। लेकिन हम लोग दोनों दिन मनाते हैं। हम लोग तो 14 को मनाते हैं और 15 को भी खा लेते हैं, लेकिन हर साल की तरह हम लोग हर इस बार भी 14 ही तारीख को मनाएंगे। तो दही जमाने से प्रोसेस शुरू करते हैं संक्रांत की तैयारी का। आइए, हम 4 लीटर दूध ले आए हैं अभी सुबह के टाइम से। सुबह का 8 बजे हुए हैं और बहुत लोग तो दही खरीद के बना रखते हैं उस दिन के लिए, संक्रांत के लिए। लेकिन हम हर साल दही जमाते हैं खुद से घर पे। बहुत ही अच्छा दही जमता है, एकदम लाल लाल मलाईदार दही जमता है। इजी वे में ही दही जमता है। बहुत लोग से तो दही जमता नहीं है, लेकिन हमसे तो बहुत अच्छा दही जम जाता है। तो देखते हैं किस प्रोसेस से हम दही जमाते हैं। अब दूध 4 लीटर दूध है, उसको खौलाएंगे, उसको लाल करेंगे, उसके बाद जोरन डालेंगे। ये दूध हम चढ़ा दिए हैं गैस पे सीम आँच करके। ये पूरा बड़ा सा डेक्ची है जिसमें 4 लीटर दूध हट गया है। और आज को एकदम सीम ही किए हैं, बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि फिर दूध थोड़ा चिपक जाता है तो स्मेल आ जाता है, इसलिए दूध पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बीच बीच में इसको चम्मच से चलाते रहिए, हिलाते रहिए, उसके बाद लाल होने तक का इंतज़ार कीजिए, सिम करके छोड़ दीजिए, बाकी अपना काम करते रहिए। 4 किलो का दूध सूखते सूखते देखिए कितना लाल हो गया है। अब लगता है कि 3 किलो के लगभग में हो गया है सूख करके। अब देखते हैं, अब थोड़ा देर 10-15 मिनट और खौलाते हैं, थोड़ा सा और लाल हो जाने भर का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद बंद करेंगे और ठंडा हो जाएगा। तो दही जमाने का नियम यही है कि उसमें आप उंगली डुबा के रखिए हल्का सा। अगर आप सहने भर का उंगली डूब रहा है तभी जोरन डालिए, अगर उससे कम रहेगा तो भी नहीं जमेगा, या तो फिर ज़्यादा रहेगा तब तो दूध ही फट जाएगा। इसलिए उंगली डाल के ही चेक किया जाता है कि हाँ ये नॉर्मल दूध हो गया है, अब हम इसमें जोरन डाल सकते हैं। तो अब ये गैस को हम बंद करते हैं, 10 मिनट और खौला के बंद करेंगे, उसके बाद दही जमने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा दही कैसा जम के तैयार हुआ है। मेरा दूध खोल करके इस तरह का तैयार हो गया है, बहुत ही लाल मलाईदार दूध खोला है। अब इसको हम देख लेते हैं, उंगली अगर सहने भर का है, जैसा कि पहले भी हम बताए हैं कि अगर उंगली सहने भर का रहता है तभी आप जोरन डालिए, तो देख लेते हैं कि उंगली सहने भर का है कि नहीं। तो हाँ, ये उंगली सहने भर का है हमारा ये दूध। इसके बाद ये कटोरी में हम इस तरह का मलाई, जिस तरह का दही हम रखे हुए हैं पहले से, और इसी दही को इसमें हम डाल देंगे ऐसे थोड़ा सा साइड करके। एक नंबर दही जमता है, चम्मच के माध्यम से इसको हम इस तरह का सब मिला देंगे कि अंदर से सारा दूध मिल जाए जोरन में। क्योंकि ऊपर तो सारा मलाई से छाया हुआ है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि ऊपर से मलाई ना कटे। अब ऐसे ही हम पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, रात भर में जम कर एकदम अच्छा से तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद संक्रांत के दिन इस दही को हम लोग खाएंगे। मेरा दही देखिए कितना सुंदर जम के तैयार हो गया है। मेरी माँ, जो सासू माँ हुई, वो कहती हैं, पुराना कहावत है, गांव देहात का पुराना कहावत है, माँ हमेशा हर साल कहती हैं, दही तो खैर हमसे अच्छा जम जाता है, कि इतना निम्मत दही जमल है ना कि काट के खाते या केकरो माथा पे फेंक दे तो टिलकी उठ जाती। इसका मतलब ये है कि बहुत ही सुंदर और कड़ा दही जमा है, कि देखिए हिलाने से भी एकदम हिल नहीं रहा है। अब इसको संक्रांत के दिन सुबह सुबह सब चीज़ निकालने के बाद इसको काटेंगे दही और कटोरी में परसेंगे, सब लोग खाएंगे मिलजुल कर। चलिए, दही बनाने के वीडियो के साथ अब छोटा सा ये वीडियो को अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।